हेलो व्यूअर्स, मी रिमझिम फ्रॉम लिखन ग्रुप, द स्मार्ट चॉइस फॉर योर फ्यूचर। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पेज नंबर 205, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 10 एसटेन बुक। व्हाट टाइप ऑफ इमेज आर फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स के कौन से टाइप का इमेज जो है फॉर्म हो रहा है कॉनकेव मिरर में या फिर कॉन्वेक्स मिरर में, ये बताना है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमारी जो है इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल और इरेक्ट। मीन्स हमेशा क्या, कौन सी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल रहती है वो और इरेक्ट रहती है। और कॉनकेव जो हमारा है कॉनकेव मिरर, उसमें कभी कभी हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, कभी कभी हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो ये हमारा हो गया। फिर ऐसे अगला है क्वेश्चन नंबर 2, विच मिरर हैज़ ए वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू। कौन से मिरर का जो है वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू है, मीन्स वहाँ से और थोड़ा पास में या फिर कह सकते हैं मुझे मतलब कि वाइडर फील्ड जो है हमारे व्यू हम आसानी से देख सकते हैं, तो कौन सा मिरर है, तो वो हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, वो हमारा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू नहीं देता है। कौन सा मिरर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू वॉन्ट टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ योर फेस। अगर हम चाहते हैं मीन्स अपनी जो हमारा फेस है उसका इमेज कैसा है, इन लार्ज में है थोड़ा बड़ा है, स्टेट वेदर यू विल यूज़ ए कॉनकेव मिरर और ए कॉन्वेक्स मिरर। स्टेट करना है कि हम कौन सा यूज़ करेंगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो हमें पता है कि मीन्स जो कॉन्वेक्स होता है वो डिमिनिश इमेज बनाता है और ऑलवेज क्या रहता है, वर्चुअल इरेक्ट रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉनकेव रहेगा वो बेस्ट रहेगा। तो मीन्स कॉनकेव मिरर जो है हमारा वो बेस्ट रहेगा, हम अगर देखना चाहें अपना एनलार्ज फेस इन द मिरर। फिर ऐसे ही अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जो हमारा कॉन्वेक्स होता है वो हमेशा डिमिनिश और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे मीन्स क्या हो जाएगा क्वेश्चन 4 में, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, स्टेट द पोजिशन ऑफ इट्स। मीन्स यहाँ पे अब ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है प्लेस है एट ए लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, स्टेट करना है हमें पोजिशन। तो इमेज इज फॉर्म एट द फोकस, जो इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है एट द फोकस, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है लॉन्ग प्लेस की डिस्टेंस पे, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस पे प्लेस है फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर में, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया, पोजीशन ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है। तो इमेज क्या होगी, फॉर्म्ड होगी एट द फोकस। तो फोकस इक्वल्स टू मीन्स क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। मीन्स की जो इज़ दैट 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द स्पेरिकल मिरर विच कैन प्रोड्यूस ए रियल एंड डिमिनिश इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पेरिकल मिरर का नेम देना है जो मीन्स की प्रोड्यूस कर रहा है रियल और डिमिनिश इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मीन्स वो हमारा कौन कर सकता है, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। तो मीन्स यहाँ पे तो रियल है, भले ही वो जो हमारा कॉन्वेक्स है वो डिमिनिश इमेज प्रोड्यूस करता है लेकिन वो रियल इमेज प्रोड्यूस नहीं करता है, और जो हमारा कॉनकेव है वो रियल और डिमिनिश इमेज दोनों प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे कौन सा स्पेरिकल मिरर हो जाएगा, कॉनकेव। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नेम द स्पेरिकल मिरर विच कैन प्रोड्यूस ए वाइट वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है वर्चुअल और डिमिनिश इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल और डिमिनिश इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन सा मिरर यूज होता है वहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वन वॉन्ट्स टू सी ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए मिरर, वॉट टाइप ऑफ मिरर शुड वन यूज। मीन्स की वन वॉन्ट्स टू सी ए मैग्नीफाइड इमेज, उसे देखना है इन ऑब्जेक्ट इन ए मिरर, तो कौन से टाइप का जो वन है वो मिरर यूज़ करेगा। तो यहाँ पे करेगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि उससे हमें इनलार्ज दिखता है, और हमने पढ़ा हुआ है कि मीन्स जो हमारा कॉन्वेक्स होता है उससे हमें
हमेशा क्या मिलती, कौन सी टाइप की इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। तो यहाँ पे इनलार्ज के लिए, मैग्नीफाइड इमेज के लिए कौन सा मिरर सुटेबल रहेगा, बेटर रहेगा, कॉनकेव मिरर। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नेम द मिरर विच कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इरेक्ट इरेक्ट दोनों में सेम है, ए और बी में इरेक्ट कॉमन है। फिर हमारा मीन्स की इनलार्ज, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि इनलार्ज तो सिर्फ वो कॉनकेव ही कर सकता है। तो यहाँ पे मीन्स की ए में क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। डिमिनिश हमेशा हमारा मीन्स की इरेक्ट भी है और डिमिनिश भी है, तो वो हमेशा हमारा कॉन्वेक्स करेगा। तो मीन्स क्या हो गया, सेकेंड वाले में कॉन्वेक्स मिरर हो गया। फिर हमारा है अगला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है कि हमें स्टेट करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है वो सही है या गलत है। ए डाइवर्जिंग मिरर इज़ यूज एज ए रियर व्यू मिरर। जो डाइवर्जिंग मिरर है हमारा वो किस लिए यूज़ होता है, यूज़ एज ए रियर व्यू मिरर। तो यहाँ पे कौन ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्या है, सही है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।